नमस्कार साथियों तबादलों से आज बैन हट सकता है आज की क्या है अपडेट और जैसा कि आज कैबिनेट की बैठक है तो इस पर क्या तबादलों पर बैन हटेगा या फिर पोस्टपोन हो जाएगी तबादला नीति आज फाइनल कैबिनेट बैठक है तबादलों से रिलेटेड और अन्य योजनाओं पर भी मोहर लगेगी चलिए देखते हैं क्या है अपडेट कर्मचारी वर्ग को जिस वन तबादला नीति का लंबे समय से इंतजार है वह मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नहीं आई तो अगले सत्र आएगी तब कर्मचारियों को तबादले कराने के लिए अतिरिक्त समय लगेगा ऐसा इसलिए क्योंकि आधे से अधिक सत्र निकल चुका है कुछ समय बाद बच्चों की परीक्षाओं का समय आने वाला है वित्तीय वर्ष का समय भी नज़दीक है सरकार का मकसद है कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और कार्य की गति बनी रहे अगले सत्र से थोकबंद तबादलों से कर्मचारियों को तबादलों के लिए अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे और कर्मचारी व्यक्तिगत और जरूरी तबादलों पर रोक नहीं है ये विकल्प पहले ही तरह खुले रहेंगे सिंग्रामपुर में बाद मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हो रही है वही सूत्रों के मुताबिक इसके एजेंडे में तबादला नीति पर चर्चा शामिल नहीं है हालांकि एन वक्त पर तबादला हुआ और चर्चा हुई तो कोई ना कोई निर्णय हो सकता तो साथियों जैसे कि खबर यही आ रही है कि तबादला पर बैन नहीं हट सकता है। लेकिन एन वक्त पर तबादला नीति को लिया भी जा सकता है तो आज की कैबिनेट बैठक पर सभी कर्मचारियों की निगाहें रहेंगी क्या उन्हें तबादले से बैन हटाया जाएगा या फिर अगली सत्र में ही तबादलों से बैन हटेगा साथियों इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले